हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ M&M फाइनेंस जो कंपनी है और उस कंपनी के बारे में जितनी भी कुछ जानकारी आपको जाननी चाहिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, या फिर अगर आपने यहाँ पर माल उठा के रखा है तो आप जिस कंपनी में माल उठा के बैठे हैं उस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स आपको जानना चाहिए कि कंपनी कैसी है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ये कंपनी अपना जो मेन कारोबार है वो मेनली फोकस्ड है व्हीकल फाइनेंस, SME फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट कंपनी और फिक्स डिपॉजिट। तो समझ सकते हैं कंपनी किन किन कामों में अपना यहाँ पर हाथ रखती है, समझ सकता है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कंपनी मेनली बेस्ड है रूरल NBFC में, मतलब रूरल NBFC जो होते हैं तो ये कंपनी वहाँ पर, मतलब रूरल में ये अपना ज़्यादा कामकाज करती है, समझ सकते हैं। रूरल में मतलब जो गांव-गांव होता है ना, गांव साइड में, तो वहाँ पर ये कंपनी अपना मेन कारोबार करती है। रूरल NBFC है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। व्हीकल फाइनेंस मतलब जो कार आप खरीदते हैं तो वो 4-व्हीलर हो 2-व्हीलर हो, वहाँ पर ये कंपनी फाइनेंस का काम करती है। SME छोटे बिजनेस करने वालों को ये कंपनी पैसा देकर हेल्प करती है। हाउसिंग फाइनेंस में है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग में है, म्यूचुअल फंड में है और फिक्स डिपॉजिट, मतलब जितने भी फाइनेंशियल मतलब फर्म्स होती है वहाँ पर ये कंपनी अपना कामकाज करती है। तो आपने जिस कंपनी में माल उठा के रखा है तो वो कंपनी कोई छोटी या ख़राब कंपनी नहीं है फ्रेंड्स, इसका कारोबार बहुत बड़ा है, कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, इस चीज़ से आप शायद ये समझ सकते हैं। और कंपनी के पास अपना खुद का बहुत सब्सिडरीज है, तो वो सब्सिडरीज भी एक बार देख लेते हैं। कंपनी के पास 4 सब्सिडरीज है, तो एक है महिंद्रा म्यूचुअल फंड, तो महिंद्रा का जो म्यूचुअल फंड आता है तो वो भी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस के अंदर ही आता है, इनकी सब्सिडरी है। महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड वो भी इसके अंदर आता है। महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस, जैसे कि मैंने कहा कि ये रूरल NBFC है तो वो भी इसके अंदर आता है। महिंद्रा बिजनेस एंड कंसल्टिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड वो भी इसी मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के अंदर ही आता है। तो समझ सकते हैं कंपनी कितना बड़ा है ये कंपनी, आप इनके सब्सिडरी और इनके काम को देखकर आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद हम लोग बात करें कंपनी का अभी का जो हालत है वो थोड़ी नाजुक है फ्रेंड्स। यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस जो है वो यहाँ पर थोड़ी नाजुक स्थिति में ट्रेड कर रही है, और यहाँ से कहाँ तक गिर सकता है या फिर क्या बॉटम बन चुका है, ये एक आम सवाल है रिटेल इन्वेस्टरों का। तो बॉटम कहाँ पर बनेगा फ्रेंड्स, इसकी गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। बॉटम आपको बॉटम बनने के बाद ही पता चलेगा, बॉटम का आप पता नहीं लगा पाएंगे कि कब बॉटम बनेगा, बॉटम बनने के बाद आप पता कर पाएंगे कि भाई बॉटम बन चुका है। और अगर बात करें स्टॉक के मल्टी ईयर सपोर्ट की, तो स्टॉक का जो मल्टी ईयर सपोर्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है वो है लगभग 127 के आसपास, जो इसने बनाया था जो 1 जून 2012 में। तो समझ सकते हैं बहुत पीछे चला गया है ये स्टॉक, अभी ट्रेड कर रहा है लगभग 157 के आसपास, और इसका जो मल्टी ईयर सपोर्ट है वो है 127, तो सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये एक अच्छी वाली बात है। और अगर हम लोग बात करें इसके ऑल टाइम हाई की, तो इसका ऑल टाइम हाई है लगभग 505 रुपया, जो इसने बनाया था 20 अप्रैल 2018 को। तो समझ सकते हैं इसी महीने अप्रैल के महीने में, आज से 2 साल पहले इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था इसी महीने। तो समझ सकते हैं स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है अपने हाई से, लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। अगर हम लोग बात करें स्टॉक अभी जहाँ पर ट्रेड कर रहा है वो लेवल इसमें कहाँ पर था, 14 सितंबर 2012 को ये स्टॉक 158 के भाव पर ट्रेड कर रहा था, जो अभी यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। तो समझ सकते हैं स्टॉक बहुत ज़्यादा पीछे चला गया, लगभग 8-9 साल यहाँ पर पीछे चला गया है, लेकिन घबराने वाली बात कोई नहीं है। आपने अगर इसको 500 के भाव पर भी लेके रखा है तो आपने एक बहुत ही अच्छी कंपनी में माल उठाया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी में माल उठाया है। और कंपनी नंबर 1 कंपनी है मेरे हिसाब से, नंबर 1 NBFC है रूरल में, जितने भी NBFCs है उनमें नंबर 1 है, रूरल NBFCs में नंबर 1 है, समझ सकते हैं। मैं NBFCs की, पूरी NBFCs की बात नहीं कर रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, रूरल NBFCs में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस नंबर 1 है।
अगर आप किसी रूरल बेल्ट से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है आपने जब पहली बार अपने लिए कार खरीदने के लिए आप जब गए थे तो हो सकता है आपका जो फाइनेंस है वो फाइनेंस हो सकता है महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस का ही हो सकता है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं फ्रेंड्स महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस की जो कामकाज की स्थिति है वो कितनी बड़ी है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कंपनी के कॉम्पिटिटर की तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का जो मेन कॉम्पिटिटर निकल के आता है फ्रेंड्स वो है बजाज फाइनेंस। तो समझ सकते हैं बजाज फाइनेंस एक दिग्गज कंपनी, उसके साथ ये कंपनी कॉम्पीट करती है। तो अगर हम लोग सेल्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस एक क्वार्टर में सेल करती है लगभग 17,000 करोड़ की, और वहीं पर महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस सेल करती है 8,700 करोड़ की। तो समझ सकते हैं यहाँ पर कंपटीशन कितना ज़्यादा है, लेकिन तब भी कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में रहती है और लगभग 1550 करोड़ के आसपास यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट कमाती है एक क्वार्टर में, और जहाँ पर बजाज फाइनेंस प्रॉफिट कमाती है लगभग 4,000 करोड़ के आसपास। तो समझ सकते हैं यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और बजाज फाइनेंस के साथ ये कंपनी कॉम्पीट करके चल रही है। तो समझ सकते हैं आपका कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, इसका कॉम्पीटर को देखकर आप ये कहते हैं ना फ्रेंड्स आप कितने बड़े हैं वो आपके दुश्मनों को देखकर ही आपको पता चलता है। तो उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इस कंपनी की तो कॉम्पीटर देखिए बजाज फाइनेंस, इस कंपनी के साथ ये कंपनी कॉम्पीट करती है बजाज होल्डिंग मुथूट फाइनेंस, और समझ सकते हैं ये जिस फील्ड में अपना कामकाज करती है उसी फील्ड को लेकर एक कॉम्प्लीट यहाँ पर एक कॉम्पीटर की लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं बजाज होल्डिंग्स और श्रीराम ट्रांसपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं मुथूट फाइनेंस। तो समझ सकते हैं कंपनी का जो कॉम्पीटर है वो कितने बड़े बड़े कॉम्पीटर है, उसके साथ ये कंपनी कॉम्पीट करके यहाँ पर प्रॉफिट कमाती है। तो आपने किसी खराब कंपनी में माल नहीं उठाया है, मैं बार बार ये बात आपको कह रहा हूँ, आपने किसी खराब कंपनी में माल नहीं उठाया है। और ये जो गिरावट है ये गिरावट फॉरेन इन्वेस्टरों ने माल यहाँ पर बेची है, कोविड का यहाँ पर इम्पैक्ट है तो इस वजह से यहाँ पर स्टॉक गिरा है। लेकिन अगर आपने इसको 500 के भाव पर भी अगर आपने स्टॉक को खरीदा है तो आपने गलती नहीं की। अगर आपका होराइजन इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म के लिए है, आपने थोड़ी जानकारी के कमी की वजह से आपने उस भाव पर बाय किया था। लेकिन फ्रेंड्स आप नो अबाउट इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़े हैं, आपको कब किस स्टॉक को बाय करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो घबराने की कोई बात नहीं, कब किस स्टॉक को बाय करना है, किस लेवल पर बाय करना है, कब सेल करना है, सब कुछ आपको पता चलेगा। बस नो अबाउट इन्वेस्टमेंट को आप सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन आइकन को एनेबल करके रखिए। बात करें फ्रेंड्स कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर के पास लगभग 51% स्टेक है, मतलब मेजोरिटी ऑफ स्टेक होल्डर है यहाँ पर प्रमोटर, कंपनी के जो ओनर है वो यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ स्टेक होल्डर है। और प्लेज्ड मतलब कंपनी के ओनर ने यहाँ पर एक भी स्टॉक गिरवी नहीं रखा, जो एक बहुत अच्छी बात है। और अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड की तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर लगभग 12% की स्टेक यहाँ पर खरीद के रखी है। तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स हम और आप जैसे छोटे इन्वेस्टर हैं उसे बहुत ज़्यादा जानती है म्यूचुअल फंड के जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो मतलब जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं और जो मैनेजर्स होते हैं वो लोग बहुत अच्छी तरह से ये सब जानती है कि किस कंपनी कैसी है। तो उन्होंने यहाँ पर भरोसा दिखाया है तो समझ सकते हैं कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। अगर हम लोग बात करें कंपनी के मार्केट कैप की तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है लगभग फ्रेंड्स 9,300 करोड़ के आसपास। और अगर हम लोग बात करें पी की तो इंडस्ट्री का पी चल रहा है, जो NBFCs है उनका अभी पी चल रहा है फ्रेंड्स 23 और इसका जो पी है वो है 7। तो समझ सकते हैं पी वैल्यूएशन के हिसाब से भी ये आपको एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अभी मिल रहा है। डिविडेंड की भी कंपनी बहुत अच्छी डिविडेंड देती है, लगभग 4% का यहाँ पर डिविडेंड यील्ड निकल के आता है। और डिलीवरेबल क्वांटिटी जो एवरेज यहाँ पर स्टॉक ट्रेड होते हैं उनमें से लगभग 28% यहाँ पर डिलीवरी उठती है, तो ये एक दिक्कत वाली बात है, यहाँ पर ज़्यादा डिलीवरी नहीं उठती, ट्रेड ज़्यादा होते हैं तो इसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। बात करें 1 मंथ के चार्ट के ऊपर ये स्टॉक कितना करेक्ट हुआ है, 1 मंथ के अंदर ही फ्रेंड्स 1 महीने के अंदर अंदर ये स्टॉक लगभग 51% यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। तो समझ सकते हैं स्थिति कितनी गंभीर है, यहाँ पर गिरावट मुझे जो लगता है चार्ट को देखकर फ्रेंड्स यहाँ पर और ज़्यादा मतलब एक तगड़े गिरावट की संभावना यहाँ पर नहीं है। गिरावट हो सकता है छोटा मोटा गिरावट मतलब 10-20% का यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम गिरावट हो सकती है, लेकिन ऐसा गिरावट 50% का गिरावट ऐसा गिरावट और नहीं होगी, इसकी संभावना बहुत कम है। और अगर बात करें 6 महीने के चार्ट के ऊपर तो 6 महीने के चार्ट के ऊपर ये स्टॉक लगभग 52% करेक्ट हो चुका है, और बात करें 1 मंथ के 1 ईयर के चार्ट के ऊपर ये स्टॉक लगभग 62% करेक्ट हो चुका है। तो समझ सकते हैं आपने जिस कंपनी में माल उठा कर रखा है वो कंपनी 1 साल के अंदर लगभग 62% करेक्ट हो चुका है। डरिए मत क्योंकि अगर आपने माल अभी तक नहीं बेचा तो आपने बहुत देर कर दी, अभी आपको माल बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको अगर यहाँ पर फ्रेश ख़रीदारी करना है तो इस लेवल पे आप थोड़ा बहुत बाई कर सकते हैं, लेकिन अपना रिस्क समझकर
एक बार आप फिर से दोबारा एनालाइज कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप स्टेक खरीदिए। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको पैसा, आपका पैसा बनना तय है, इसमें कोई शक की बात नहीं है फ्रेंड्स। और अगर बात करें फ्रेंड्स कंपनी के टोटल रिटर्न प्रोफाइल की बात करें, तो स्टॉक ने इतनी गिरावट के माहौल के बावजूद ये स्टॉक अपने लिस्टिंग से लगभग 240% के आसपास एक पॉजिटिव रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे रही है। तो कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें शक की कोई बात नहीं है। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो बने रहे, फ्रेश खरीदारी अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके बाइक कर सकते हैं, लेकिन अपना रिस्क समझ कर, एनालाइज करने के बाद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी काम का लगा तो एक बड़ा सा लाइक करना। थैंक यू फ्रेंड्स।